सो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो अपने सामने खड़ी है टीवीएस रेडर 125 रेड कलर के साथ, और इसको कर दिया गया है मॉडिफाइड। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, आई होप आप सब भी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्टार्टिंग में आपने जो देखा यार, आज वही वीडियो है, यानी कि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो वीडियो, वो है टीवीएस रेडर 120, यानी कि एग्जॉस्ट वगैरह छोड़ के जो मॉडिफिकेशन है वो की गई है। काफ़ी सारी एक्सेसरीज हैं जो कि इसमें ऐड करी जाएंगे। इस बाकी काफ़ी सारी वीडियो आप लोग हमारी देखते रहते हो, चाहे वो अपाची हो, राइडर हो, हॉर्नेट हो, या फिर आपकी होंडा एस 125 हो, या फिर अपनी इंटरसेप्टर हो, जीटी कॉन्टिनेंटल हो, टू व्हीलर कोई भी हो, सबकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाती हैं। और गाइस, अगर इस तरह की काम आप कराना चाहते हो तो आपको पता है कहाँ आना है, दिल्ली के करोल बाग नाई वाला मार्केट में आपको आना है, SKD पर। काफ़ी लोग मुझसे लोकेशन मांगते हैं, जबकि डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर भी डालता हूँ और गाइस पूरा एड्रेस भी डालता हूँ। और वीडियो स्टार्टिंग में मैं सब कुछ बता ही देता हूँ कि आपको कहाँ आना है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग लोकेशन मांगते हैं, तो उन लोगों के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो गाइस, या फिर आप वीडियो को पूरा देख सकते हो, जिससे आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। और गाइस कुछ रहेगा तो कमेंट करके पूछ लेना। प्राइसिंग वगैरह के लिए अगेन आप डिस्क्रिप्शन में से नंबर निकाल के कॉल कर सकते हो। और इसी तरीके की वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहती है। तो दोस्तों, मेरा नाम सिकंदर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल SKD बाइक वर्ल्ड। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो अपने सामने खड़ी है टीवीएस रेडर 125 रेड कलर के साथ, और इसको कर दिया गया है मॉडिफाइड। और मॉडिफिकेशन के बाद जो लुक आ रहा है वो काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी अलग लग रहा है। फ्रंट्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर वाइजर लगाया गया है। वाइजर की वजह से काफ़ी सारी वैरायटी और भी है, और कलर भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे। यानी कि एक वैरायटी ये वाली है, बाकी अगर आप चाहो तो प्लास्टिक में चाहो तो वो भी ले सकते हो, बट ये है मेटल में, वो भी डबल प्रोटेक्शन के साथ। यानी कि ये पिछले वाला पार्ट भी इसका मेटल का है और ऊपर वाला पार्ट भी मेटल का है। और ये लुक लाइक मिरर है, हल्का सा इसमें गोल्डन का टच भी है, बाकी आप चाहो तो किसी और कलर का भी मिल सकता है। तो वाइजर के अलावा यहाँ पर एक सिमटेक का हजार्ड लगाया गया है, और जिसको एक्टिवेट करने के लिए आपको जो इंडिकेटर का स्विच है इसको लेफ्ट राइट पीछे प्रेस करना है इस तरीके से। और अगर आप इस तरीके से करते हो तो इसमें काफ़ी सारे पैटर्न हैं जो कि आप जब लेफ्ट राइट पीछे प्रेस करोगे तो कुछ इस तरीके से वर्क करेंगे। और साथ ही में हेलोजन बल्ब हटा कर यहाँ पर लगाए गए हैं LED बल्ब, जो कि दो पीछे लगाए गए हैं और दो लगाए गए हैं आगे। और अगर मैं हजार्ड हटाकर नॉर्मल इसका इंडिकेटर दूँ तो उसका कुछ इस तरीके से फोकस है, जबकि आपको पता है दुकान के अंदर काफ़ी लाइटें भी जल रही हैं। प्रॉपर आप अंधेरे में जाओगे, यानी जो नॉर्मल राइड करोगे आप तो उसमें काफ़ी अच्छा इसका फोकस होने वाला है। तो ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर हैंड गार्ड लगाए गए जो कि इग्निशन पे इसके अंदर DRLs आपको देखने को मिल जाते हैं, वो भी वाइट, और वाइट कलर के इसलिए क्योंकि ये वाइट है तो ये वाइट काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी आप चाहे तो ब्लू ले सकते हो, जो आप कलर चाहो वो मिल जाते हैं इसमें। और बाकी इंडिकेटर पर तो आपका येल्लो है ही, तो ये देखो। प्लस इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हो इस तरीके से। और अगर इनकेस मान लो गलती से बाइक गिरता भी है तो इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि ये आपके क्लच और लीवर्स को टूटने नहीं देता, यानी कि सारा इंपैक्ट इस पर पड़ता है। भले ये टूट जाए लेकिन ये आपके सेफ रहेंगे, क्योंकि ये जो है ना ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ये देखो गाइस। और आप लोगों को पता है ये स्पेयर पार्ट बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, इसके राइडर ही नहीं मिल रही आप लोगों को पता ही है। तो ये भी हो गया, हैंड गार्ड हो गया, फ्लैशर हो गया, और आपका वाइजर हो गया। इसके अलावा ये वाला पार्ट हमें बिल्कुल भी खाली अच्छा लगता, तो यहाँ पर लगा देते हैं हम विंगलेट, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, और ये सेम विंगलेट अपाची पर भी लग जाती है। तो ये तो हो गया इसका। अब आपको दिखाता हूँ लैमिनेशन जो की गई है वो की गई है PPF, यानी कि 3 लेयर वाली। और वैसे तो ये बाइक ही जो है वो ज़्यादा पुरानी नहीं है, बिल्कुल नई है। अगर आप पुरानी बाइक भी करवाते हो ना तो भी यही वाला लुक आने वाला, यही वाला फील, यही वाली शाइनिंग, यही वाला ग्लो, ये देखो। और जो ये वाला पार्ट है इसको कर दिया है लैमिनेशन, लेकिन ये इसमें ट्रांसपेरेंट की गई है, इसमें की गई है स्मोक वाली। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा हो, जो पार्ट कवर किए जाते हैं, फुल टैंक हो गया आपका, साइड के ये वाले हो गए, ये दोनों पार्ट्स, और हेडलाइट के आगे ये देखो ये जो पार्ट है, और ये मडगार्ड, ये फुल बॉडी में कवर की जाती है लैमिनेशन के साथ। इसके अलावा सीट कवर अगर आप देख सकते हो तो काफ़ी बेस्ट लग रहा है, रेड और ब्लैक का इसमें टच दिया गया है। आप चाहो तो ये वाली पट्टी, जैसे ये ब्लैक है तो यहाँ से ब्लैक आ रहा है तो ये ब्लैक भी ले सकते हो, बट इसमें जो है रेड ऊपर कर दिया है और ब्लैक कर दिया है साइडों में, तो ये भी एक चीज़ है। तो ये कुछ इस तरीके इसका लुक आ रहा है। बाकी अगर मेरे चैनल पर जाकर देखोगे तो आप लोगों को बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगे टीवीएस रेडर की। और बैक साइड में यहाँ पर टायर हैगर लगा रखा है, क्योंकि मिट्टी वगैरह आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा यहाँ पर होल्ड हो जाती है इस जगह पर, तो ये टायर हैगर लगाने से पहले का है। और टायर हैगर लगा दिया, मिट्टी वगैरह की टेंशन नहीं है। टायर हैगर काफ़ी सारे डिजाइन के आपको मिल जाएंगे, आप चाहे सिंगल साइड फिटिंग ले सकते हो, प्रॉपर मेटल में ले सकते हो, या फिर आप इस तरीके का ले सकते हो। ये बिल्कुल ओरिजिनल लगता है, यानी कि बाइक से मैच होता हुआ लगता है, इसको देख के ऐसा लगता नहीं है कि ये आपने आफ्टर मार्केट वर्क करा रखा है, क्योंकि ये ऑल ओवर मैच होता है। तो ये सब मॉडिफिकेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर किए गाइस। और इससे अलावा भी काफ़ी सारी वीडियो आपको राइडर की, अपाची की, बहुत सारी हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी, सो एक बार चेकआउट आप कर लेना। ये था आज की वीडियो में, ये थी टीवीएस रेडर 125। अगर आपके पास कोई और बाइक है तो उसको भी आप मॉडिफाइड करा सकते हो, या अगर आपके पास कोई पुरानी बाइक है जो बहुत पुरानी है और आप उसको बेचना भी नहीं चाहते और अपने पास रखना चाहते हो, तो गाइस उसको आप कस्टमाइज़ करा सकते हो। जिस तरीके से आप बताओगे उस तरीके से उसको मॉडिफाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको आइडिया चाहिए तो आप गूगल पे से कोई भी
पिक निकाल कर वैसा बनवा सकते हो, डिपेंड करता है बजट पर कि आपका बजट क्या है, बाइक चाहे कोई भी हो या फिर स्कूटी हो, तो इस तरह के काम आप करा सकते हो एसकेडी पर। तो मेरे तो आपसे विदा, मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, जब तक के लिए टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।